हेलो एंड वेलकम टू PMW IAS चैनल। आई एम प्रेम कुमार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपको घटनाचक 2024 एडिशन लेकर आपके साथ प्रस्तुत हैं। देखिएगा, चैप्टर वाइज सोल पेपर है और ये हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और गवर्नेंस। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और अपना वैल्यूएबल कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं। देखिए तो इसमें अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में आपको दिया गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, एक्ट फिर उसके बाद कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल प्रीएम्बल ये पूरा बताने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन, इलेक्शन कमीशन, आप देख सकते हैं 42 480 पेज का है। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, फिर इसको बाद में मैराथन वगैरह में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, देखिए तो यहाँ पे हम लोग BPSC का घटना चक्र PYQ जो है डिस्कशन करा रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर नहीं, अपने PMW BPSC चैनल पे आप लोग सर्च करिएगा YouTube पे BPSC घटना चक्र इन इंग्लिश, या चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और SPD का भी हम लोगों ने डाल दिया है, अगर देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जैसे थ्योरी दिया हुआ है, आई थिंक ये जूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं लेक्चर देखें या कोई ना कोई बेसिक बुक पढ़ें ताकि आपका पॉलिटी का कुछ चीज़ें पता हो। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेनेशन को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे एक्ट है, तो जो क्राउन आया उससे पहले का एक, फिर उसके बाद का एक्ट, ये सब दिया हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह है, 1833-53 सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए और इसके बाद कौन सा टॉपिक, मतलब कि सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। देखिए कलकत्ता में जो है ना आपको सुप्रीम कोर्ट बना, और ये पूछ रहा है कि किस एक्ट से बना। तो देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उस एक्ट के अंतर्गत बनता है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, ठीक है। ये फोर्ट विलियम में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है, विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन जो 1774 में बना। एक्ट 1773 है लेकिन बना 1774 में। और एक चीज़ याद रखना है कि इसके जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कौन बने थे, तो सर इलिजा इम्पे, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, अभी हम लोग देखा फोर्ट विलियम में 1774 में बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, उसके बारे में पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है अभी हम लोगों ने देखा। अब देखिए ये बोला है लेमाइस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये जब दूसरा गलत तो बस केवल पहला सही, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों? तो सर इलिजा इम्पे जो है इसके पहले चीफ जस्टिस थे, ना कि लेमाइस्टर। तो ये हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो बोल रहा है मैच कराना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट, तो अभी हम लोगों ने देखा पहले जो ईजी है उससे करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा एक था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब देखिए लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, तो लॉ मेंबर का कब ये बात चलने लगा कि रखा जाएगा, तो देखिए वन लॉ मेंबर जो है ना आपको आता है, कब से आता है ये आप लोगों को मतलब कि मैच कराना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ये, आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो आप लोग बता ही सकते हैं कि कब आया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 1784 के एक से आया, क्या आप लोग बताएंगे ये, ठीक है। अब परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, तो जो इंग्लिश मिशनरी है ना उनको वर्क इन इंडिया करने के लिए 1833 के एक से दिया गया था परमिशन। और 1833 का जो एक्ट है देखिएगा, 1833 में, तो एक लॉ मेंबर को भी रखने का बात किया गया, तो यहाँ से आप लोग मैच करा सकते हैं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में कलकत्ता में, सर इलिजा इम्पे इसके प्रथम चीफ जस्टिस बनेंगे, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको इस्टेब्लिश करने का बात किया जाएगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन देखता था, ये ध्यान रखिएगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन, ये पॉलिटिकल फंक्शन, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग बन गया था तो कमर्शियल फंक्शन देखता था, दोनों का डिवीजन हो गया था। चार्टर एक्ट 1813 जो है ना, तो उसमें इंग्लिश मिशनरी जो है वर्क करने लगा इंडिया में, उनको परमिशन दे दिया गया, ठीक है। 1813 के अंदर 1,00,000 रुपया पर एनम एजुकेशन के लिए खर्च करना था इसके अंतर्गत, और चाय और चीन को छोड़ के ये जो है उनका मोनोपोली को जो है ख़त्म कर दिया गया 1813 के एक्ट से, 33 में दोनों चाय और चीन भी दोनों को ख़त्म कर दिया गया। 1833 का जो एक्ट है उसमें लॉ मेंबर को रखने का बात किया गया, ठीक है, मोनोपोली पूरी तरह से खत्म हो गया। और गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी में बनते हैं 1833 के एक्ट में, ठीक है, इसको ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जब आया था ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, क्यों तो मैं बताता हूँ। देखिए चार्टर एक्ट तो अभी हम लोगों ने बताया कि 1 लाख रुपये, ये 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है, 1 लाख पर एनम एजुकेशन पे खर्च करने को बोल रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में अलाउ कर दिया गया, तो ये तो सही है। अब उसके बाद देखिए ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी, ये तो रहा था कि मतलब कि इंग्लिश को मतलब कि अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, तो ये कंट्रोवर्सी चला था। तो 1 और 3 तो सब लोग जान रहे थे, 1 और 3, तो ये मैक्सिमम लोग ये कर दिए थे। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो देखिए ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन का बात कर रहा है, इसमें पता ही नहीं चला कि एजुकेशन है कि नहीं, लेकिन जनरल कमिटी जो 1823 में बना इंस्ट्रक्शन के लिए, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, आप लोग चाहिएगा तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि 1813 में ये 1 लाख रुपये ये सब वगैरह था, 1823 में ये सब। जहाँ ज़रूरत होगा आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, मैं थोड़ा सा वहाँ पर रोक दूंगा, और जितना का ये है आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेंगे ताकि वीडियो लंबा भी ना हो। तो ये देख सकते हैं ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश कंट्रोवर्सी जो चला, वो कि नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा रखा जाए, लोकल पॉपुलेशन को इंग्लिश का एजुकेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस सब चीज़ को लेकर था। तो देखिए एच टी प्रिंसेप और डॉक्टर HH विल्सन जो थे, ये ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट किए हैं। ओरिएंटलिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, HT प्रिंसेप और डॉक्टर HH विल्सन, और इंग्लिशिस्ट मतलब अंग्रेज इंग्लिश आए उसके लिए चार्ल्स ट्रेवलियान, ये उसको लीड भी कर रहे थे, एडवोकेट भी कर रहे थे ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे इंडिया में लाया जाए और इंग्लिश को मीडियम एजुकेशन बनाया जाए। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। बेंटिंक का काल देख सकते हैं कब है, और यहाँ पे लॉर्ड मैकेलो जो है एक्सेप्ट किया एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट एंड मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में लाया गया, ये नहीं कि लोकल पे नहीं, लोकल में अभी भी वर्नाकुलर मतलब छोटा प्राइमरी लेवल पर वर्नाक्यूलर लैंग्वेज ही था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्या है। देखिए दोस्तों स्पीड फास्ट कम लगे तो आप लोग उसको स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं। कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना एबोलिश किया मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना, मतलब कि चाइना के साथ व्यापार आप अभी भी कर सकते हैं और चाय पर भी आपका अभी अधिकार है, इसको छोड़ के और सभी चीज़ों में मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अभी मैंने बताया कौन सा एक्ट था, तो इसमें देखिएगा तो शुरुआत में जो है चार्टर एक्ट 1813 उसके अंतर्गत ये किया गया, और 1833 में जब आएगा ना तो चाइना और टी दोनों को खत्म कर दिया जाएगा, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, तो अभी हम लोगों ने देखा 1813 का वहीं रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, बोला है कि इट इंटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना, मतलब चाइना के साथ ट्रेड और व्यापार चाय में छोड़ के और सब खत्म कर दिया गया था, ये तो सही है अभी हम लोगों ने देखा। देखिए क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपका गलत होने का बहुत ही कम चांस है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ये हो गया, और बोल रहा है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये असर्ट किया सुवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेररिस्ट हेल्ड बाई द कंपनी, तो क्या सुवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन इसी समय आ गया था या 1858 के एक से आएगा 57 के क्रांति के बाद, ये आपको अभी होल्ड पर रखिए। देखिए रेवेन्यू ऑफ इंडिया वी आर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, 1813 का ही बात कर रहा है और बोला है कि रेवेन्यू जो है आपको मतलब कि कंट्रोल किया जाने लगेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो है मतलब कि सोवरेनिटी आने लगा ब्रिटिश क्राउन का, क्यों तो मोनोपोली खत्म किया गया ना, तो कुछ तो सोवरेनिटी आएगा, एसर्ट तो करेगा, तो ये सही है, लेकिन रेवेन्यू का जो है कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं गया था, तो 1 और 2 सही है, 3रा गलत है। आप लोग देख सकते हैं ये 1813 का कितना बार हम लोग पढ़ दिए। थर्ड इज नॉट करेक्ट, क्यों तो दिस एक्ट केप्ट राइट ओवर द टेरिटरी एंड रेवेन्यू अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 साल, 20 साल तक अभी भी इनके पास राइट था रेवेन्यू का, ये ब्रिटिश क्राउन के पास नहीं गया था, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया रेवेन्यू वॉज ब्रॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कब आया, 1858 के एक्ट के अंतर्गत, और जो क्राउन का पूरी तरह से मतलब राज कब होता है 1858 के एक से, लेकिन थोड़ा सा सोवरेनिटी तो आ गया 1813 से, क्योंकि मोनोपोली खत्म किया जा रहा है ना, तो कुछ पावर ले रहा है ये क्राउन, तो ये चीज़ है आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ शेयर हो तो कौन सा एक्ट के अंतर्गत इंडियन को थोड़ा सा दिया गया कि मतलब अभी आकर अपना शासन व्यवस्था में ये कुछ पार्ट लीजिए, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया ना उसके अंतर्गत इसी में चाइना के साथ ट्रेड और टी पे ये पूरी तरह से मोनोपोली खत्म कर दिया गया, जो एक्सेप्शन बचा भी था वो, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, बॉम्बे मद्रास जो है
ठीक है, तो इसमें देखिए एक लॉ मेंबर को लाया गया, कमर्शियल फंक्शन को इन कर दिया गया, केवल पॉलिटिकल फंक्शन बन गया ये बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ही सेंट्रलाइज एक था ये, तो ये चीज़ है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ मतलब कि तीन मेंबर को भी जोड़ा गया, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था ना उसमें तीन मेंबर को जोड़ दिया गया, तो यही है, यही तीन मेंबर जो जुड़ा इंडिया का भी इसमें पार्टिसिपेट का बात किया गया। सेक्शन 87, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने का, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 क्या बोलता है, नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबियर्ड फ्रॉम एनी पोस्ट और सर्विस अंडर द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, या ये सब जो है ना, इसके मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये बोले कि इंडिया का हो या कहीं और का भी हो, क्राउन का, तो उनको पोस्ट लेने से आप डिबेट मतलब मना नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप पार्टिसिपेट करिए इंडिया के लोग भी, ये 1813 में, सॉरी 33 में आया, तो इसको ध्यान रखना है। और फाउंडेशन रखा, ये पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया का, इंडियन का, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पोलिटिकल मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हम लोग का जो 1857 के क्रांति के पहले जो एक्ट आया वो। अब हम लोग का 1858 का जो एक्ट आएगा 1857 के क्रांति के बाद, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको ये भी कर देते हैं थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हैं ये थ्योरी को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इंडियन काउंसिल 1919 डायरकी वगैरह सब दिया हुआ है, इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए नंबर वन क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये सीधे 61 का बात कर रहा है, उसमें बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल क्या 7 बन गए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब टोटल मेंबर का बात किया जाए, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें क्या 7 टोटल मेंबर बन गए 1861 के अंतर्गत, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 1861 के अंतर्गत जो है ना, पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट ICS बनते हैं इसमें, और इस एक के अंतर्गत जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसको, दोनों को अलग अलग किया गया, ये इंपीरियल काउंसिल भी बोला जाता है, दोनों को डिवाइड कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कौन सा एग्जीक्यूटिव ये काउंसिल की बात किया जा रहा है कि 7 है। तो देखिए गवर्नर जनरल के 4 के साथ एक जूरिस्ट को भी लाया गया था, तो ये 7 है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 7 नहीं है। अब देखिए ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लेजिस्लेटिव वर्क जो मैंने बोला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लॉ के लिए आया, इसमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, बजट का डिस्कस करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना गवर्नर जनरल प्लस 4 + 1 मेंबर के अलावा 6 से लेकर 14 मेंबर तक का, 6 से लेकर 14 मेंबर, ये दोनों के बीच में मतलब कि नॉमिनेट किया जा सकता है गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत। तो ये जो बोला है ना, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम 12, 12 कहीं कहीं 14 भी लिखता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, 12 ये समझिए जो दिया हुआ है। नो डिफ्रेंसिएशन वॉज मेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट, तो जो सेंट्रल सब्जेक्ट हुआ और स्टेट सब्जेक्ट हुआ उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट है, बट पहला इनकरेक्ट है। देखिए पहला इनकरेक्ट है, आप यहाँ से इलिमिनेट करते ना, तो यहाँ से इलिमिनेशन टेक्निक से भी आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो रहा था। तो ये रहा, आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, काउंसिल एक्ट 1861 जो आया ट्रांसफॉर्म किया वायसराय के एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था उसको एक मिनिएचर कैबिनेट में। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने बताया, 5 मेंबर जो है, 4 जो है ये मेंबर होते थे, एक जूरिस्ट होता था, जो 5ों मेंबर हैं असाइन किए गए डिपार्टमेंट, जैसे एक रेवेन्यू मिला, एक को फाइनेंस मिला, एक को लॉ मिला, एक को होम मिनिस्ट्री मिला, एक को मिलिट्री मिला, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करते थे। और 1874 में देखा जाए 6 मेंबर एक ऐड होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, PWD के लिए। लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर क्या है, देखिए 6 से लेकर 12 इसमें, ILC में, दो बताया ना ILC और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 था, इसमें 6 से लेकर 12 एडिशनल मेंबर आ गए, जो कि वायसराय नॉमिनेट कर सकता था 2 साल के लिए। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर जो है ना 6 से लेकर 12 उसमें से नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है, और नो डिफ्रेंसिएशन वाला तो आ ही गया। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, इसके बारे में ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या ये इंप्लीमेंट हुआ 1892 में 20 जून को, आउट ऑफ टोटल 24 मेंबर 5 वेयर नॉन गवर्नमेंट मेंबर। ठीक है, मेंबर वर गिवन राइट टू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि बजट वगैरह में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1892 का बात किया जा रहा है। तो देखिए 10 से 12 मेंबर के बाद 10 से 16 के आसपास मेंबर इसमें किया गया। ठीक है, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसको इनलार्ज किया गया 1892 के अंतर्गत, और यहाँ पे देख सकते हैं इनडायरेक्टली मतलब कि थोड़ा सा ये दिया गया। ठीक है, और डिस्कस करने का अधिकार दिया गया, बजट पर आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बोल रहा है ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का आस्क दिया गया, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ट्रू है पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तीसरा तो ट्रू है,
और यहाँ पे और क्या बोला है, 20 जून 1892 को हुआ था कि नहीं, ये देख लीजिए 20 जून 1892। तो ये देखिए 20 जून 1892 को हुआ है, तो ये करेक्ट है। और कमेंस हुआ है 3 फरवरी 1893 को, तो ये क्या पूछा था, यहाँ देखिए तो इम्प्लीमेंट का बात हुआ है, तो यहाँ पे ये देखिए पास तो हुआ है इस समय 20 जून को, ये मतलब कि असेंट मिल गया, लेकिन ये 3 फरवरी 1893 को हो रहा है, तो आई थिंक ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और 5 को नॉन गवर्नमेंट मेंबर रखा है कि ये देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट का बात पूछ रहा है। नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर जो है गवर्नर काउंसिल को इंक्रीज कर दिया गया और 10 to maximum 16 मेंबर को कर दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा जो एडिशनल मेंबर इसमें है ना, हाफ जो है नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे, ये तो सही है। और यहाँ पे देखिए एडिशनल मेंबर 100 वेयर ऑफिशियल, 6 जो है ऑफिशियल रहेंगे और 10 जो है नॉन ऑफिशियल, 10 नॉन ऑफिशियल रहेंगे, 5 नॉन गवर्नमेंट बोल रहा है, नहीं 10 नॉन ऑफिशियल होंगे, उल्टा बोल दिया है, 5 तो है ही नहीं, 6 और 10 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडियन भी हो सकते हैं, यूरोपियन भी, दोनों को इंक्लूड किया गया था नॉन ऑफिशियल में, ठीक है। देखिए दूसरा भी गलत है, इन दिस एक्ट राइट टू डिस्कस द बजट वाज गिवेन, लेकिन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं दिया गया, डिस्कस करने का अधिकार दिया गया, बजट को डिस्कस आप कर सकते हैं, क्वेश्चन मत पूछिए कि हम क्या लाया नहीं लाया, तो इस तरह से तीसरा भी रॉन्ग है, तो इसमें सब इनकरेक्ट था, तो ये ध्यान रखिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट, तो बजट को डिस्कस करने का अभी तो हम लोगों ने देख लिया ना, तो ये रिपीट हो रहा है, कौन सा है, 1892 का एक्ट, बी नंबर आंसर। तो यहाँ पे हो गया ये डिस्कस, आप लोग पढ़ सकते हैं, 6 दिन का प्रायर नोटिस भी देना पड़ता था, ये सब आप लोग एक्स्ट्रा जो चीज़ है देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया, देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बात किया जा रहा है, तो कब से ये स्टार्ट होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए ये तो बजट वगैरह है, 1909 में क्या आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये चीज़ आता है, तो यहीं से जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में देखने को मिलता है, 1909 का जो एक्ट है मॉडल मिंटो रिफॉर्म, तो मिंटो को ही ये फादर ऑफ पाकिस्तान मानते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोग बीपीएससी वगैरह में देखते होंगे, अगर नहीं देखो तो हम लोग का हिस्ट्री वाला बीपीएससी का भी आप लोग देख सकते हैं, बोलिएगा तो इसी वीडियो क्लिक में कमेंट में हम लोग लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं, और एसपीडी नहीं देखो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, सेपरेट इलेक्टोरेट आता है। और देखिए नेक्स्ट है 1909 का जो एक्ट आता है ना, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, अभी हम लोगों ने बताया सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम के लिए लाया गया 1909 के एक्ट के अंतर्गत, देखिए इसमें क्या था ना, जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए लोअर इनकम का क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार इसी में मिलेगा, बजट पे वोटिंग करना भी है, कुछ पार्ट्स ऑफ बजट पे वोटिंग भी आप कर सकते हैं, फुल्ली बहुत बजट पर वोट करने का यहाँ पे अधिकार नहीं है। और देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 के अंतर्गत ही आते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, फेडरल कोर्ट का बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में 1774 में स्थापित हुआ था, सर इल्जा इम्पे उसके प्रथम चीफ जस्टिस थे, लेकिन फेडरल कोर्ट का बात कर रहा है, तो ये फेडरल कोर्ट कब आएगा, 1935 के एक्ट से आएगा क्या, कमेंट बताइए। तो देखिए 1935 के एक्ट के अंतर्गत ये एक्ट 1937 को आपको फेडरल कोर्ट इंडिया में स्थापित होगा, और इसके कौन बनेंगे फर्स्ट चीफ जस्टिस, इसको भी याद रखिए, सर इल्जा इम्पे का तो याद कर लिए, मॉरिस गयर, ठीक है। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो अभी हम लोग देखा 1937, 35 के एक्ट से 37। अब देखिए कौन सा एक अंतर्गत डायार्की को जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कहाँ पे सेंट्रल लेवल का बात किया जा रहा है, ना कि प्रोविंशियल लेवल, ये कंफ्यूजन मत रहिएगा, सेंट्रल लेवल पे लाया गया। तो देखिए पहले तो डायार्की जो है प्रोविंस में लाया जाता है 1919 के अंतर्गत, लेकिन ये सेंट्रल पे कब जाता है, 1935 के अंतर्गत सेंट्रल लेवल पे डायर की जाता है, ठीक है। डायर की को इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल लेवल पे 1935 के एक्ट अंतर्गत, इसमें क्या था देखिए, और एबोलिश किया गया सेंट्रल सब्जेक्ट जो, और यहाँ पे देखिए सॉरी सेंट्रल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया रिजर्व में और ट्रांसपोर्ट में, दो में डिवाइड किया गया, रिजर्व और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया ना, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल स्टेट इंडिया के और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, जितना भारत के कुछ राजशाही सरकार मतलब कि जो यहाँ के राजा वगैरह कर रहे थे शासन वो, और ब्रिटिश इंडिया जितना कब्जा था, दोनों को मिलाकर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा तो सब सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ये 1935 के एक अंतर्गत रहता है, बर्मा को सेपरेट किया जाता है इंडिया से इसी एक अंतर्गत, और ये जो है काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया का जो काउंसिल था उसको भी खत्म कर दिया जाता है।
1858 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनता है 1857 की क्रांति के बाद क्राउन अपने अंतर्गत में लेता है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ ब्रिटेन में रहते हैं। फेडरल कोर्ट जो है इंडिया में स्टेब्लिश होता है 1937 को, सर मॉरिस गॉयर इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहते हैं। और फेडरल बैंक भी बनाया जाता है इसी के अंतर्गत, जिसको कि RBI 1935 में 34 के एक्ट से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कौन सा एक्ट है जो डायर्की सिस्टम को सेंट्रल लेवल पर लाया जाता है, अभी हमने देखा 1935 का एक्ट है। और डायर्की अगर प्रोविंस पे पूछ ले तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत पूछा जा रहा है क्या डायर्की को एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट प्रोविंस में लाया गया, तो अभी मैंने बताया 1919 के अंतर्गत प्रोविंस में डायर्की लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, तो ये तो 1909 में ही आ जाता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा के लिए 1919 में और आता है, 1919 में जो है ना और मतलब कि चीज़ें आती है, मॉडले मॉन्टेग्यू चेम्सो रिकॉर्ड रिफॉर्म बोलते हैं जो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट पूछा ना, और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है उसका डिवोल्यूशन सेंटर को करके क्या प्रोविंस को दिया जाता है, तो देखिए एक और तीन सही है, 1919 वाला ये गलत है। और यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहा है ना लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो था वो जो है सेंटर के द्वारा प्रोविंस को दिया जा रहा है, किस एक्ट के अंतर्गत, 1919 के अंतर्गत। तो प्रोविंस के क्यों दे रहा है, क्योंकि डायर्की जो है सेंटर में आता है, लेकिन बाद में डायर्की फिर सेंटर से हटाकर प्रोविंस से हटाकर सेंटर में लाया जाता है 1935 के एक्ट अंतर्गत। आई थिंक ये तीन चार बार मैं बोलते रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए 1919 का एक्ट जो है पास किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सो डिपोम, और ये देख सकते हैं रिकमेंडेशन इन द रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इडविन मॉन्टेग्यू यहाँ पे थे और वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड, ये सेक्रेटरी होंगे। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है जिसको कि डायर्की बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ना रिजर्व और ट्रांसपोर्ट लिस्ट में ये डिवाइड किया जाता है डायर्की वाला, रिजर्व सब्जेक्ट देख सकते हैं ना वो अपने अंदर में रखेंगे केप्ट अंडर प्रोविंशियल गवर्नर एंड देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो है ये मिनिस्टर को दे दिया गया जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में काम कर रहे थे, तो मेन अच्छा वाला अपने अंतर्गत और जो है वो सब जो नॉर्मल वाला है उसको दे दिया गया। जैसे सेंट्रल होती है ना अपने अंतर्गत, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बड़ा बड़ा जैसे डिफेंस हो गया अपने अंतर्गत रखेगी, लेकिन आप मान लीजिए हेल्थ हो गया या कुछ और हो गया तो वो राज्य सरकार को भी दे देती है स्टेट लिस्ट में, तो उस तरह से आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और दोनों को मिलाकर अगर रखा जाएगा ना तो वो होता है आपको कौन सा लिस्ट होता है, तीन लिस्ट होता है ना, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, उस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फेडरल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं। मुस्लिम का जो बात है 1909 के अंतर्गत दिया गया था, 1919 में कंटिन्यू किया गया, ये सिख को दिया गया अलग से इलेक्टोरेट, यूरोपियन को भी दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया, ये चार को आप लोग ध्यान रखेंगे ये 1919 में दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि मतलब कि अलग सा कुछ स्पेशल सेपरेट इलेक्टोरेट या कुछ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिख यूरोपियन को कब दिया गया, तो 1909 नहीं मान रहा है, वो मुस्लिम के लिए था, 1919 वाला ये इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ डायर्की जो मतलब कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये द्वैत शासन जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो ये किस चीज़ को रिफर करता है, अभी हम लोग ने डायर्की क्या है, तो ये जो है सब्जेक्ट को जो है ना रिजर्व और ट्रांसफर्ड दो चीज़ों में बांट दिया गया था, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट को डेलीगेट किया गया प्रोविंस को इंटू टू कैटेगरीज, देख सकते हैं यहाँ पे ये डायर्की वर्ड से आया, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल डायर्की डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इंटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरीज, अभी हम लोग देखा रिजर्व उसको रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वाले को दे देंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट था जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, ये सबको। ठीक है, और ये गवर्नर खुद और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा इसको मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और जो सब्जेक्ट है लेसर इंपॉर्टेंस का जैसे कि उस ट्रांसपोर्ट में रखा गया जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये सारा चीज़ है। ठीक है, अब बताइएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक इंटरनेशनल ये बन रहा है ये ऑडिटिंग के लिए, आप लोग जानते हैं कि नहीं कमेंट बताइएगा, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत बताया जाए कि फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्रोविंस लेवल पे, ठीक है, जो इंडिया को प्रोविंस में बांटा गया था उस पर जो गवर्नमेंट बनी उसका फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि 1919 में अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्टली कहाँ आ रहा है प्रोविंस में, तो रिजर्व में और ट्रांसफर में बांट दिया गया, तो बोल रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन सा था, अभी हम लोगों ने देखा रिजर्व में कौन कौन सा है, तो देखिए जस्टिस आ सकता है, सेल्फ गवर्नमेंट ये तो प्रोविंस मतलब कि छोटा प्रोविंस, और ये बात ही किया जा रहा है कि और ज़्यादा डिवोल्यूशन किया जाए पावर, तो ये लोकल लेवल ये नहीं आएगा, लैंड रेवेन्यू को आप देख भी सकते हैं, पुलिस को देख सकते हैं, लेकिन दो को एलिमिनेट करिए बस वहाँ से क्वेश्चन में, दो एलिमिनेट सी आंसर 1 3 4, ठीक, तो 1 3 4 तो यहाँ से आंसर बन गया, और ये वाला आप लोग चीज़ को पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे
वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग, मैं रुक दिया हूँ थोड़ा देर के लिए। अब देखिए, विच एक्ट एस्टेब्लिश द डायार्की सिस्टम इन द प्रोविंसेज। तो डायार्की सिस्टम जो आता है ना प्रोविंस में, अभी हम लोगों ने बताया 1919 के अंतर्गत आता है। अगर डायार्की सिस्टम सेंट्रल का बात किया जाए तो ये 1935 में आएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये हम लोगों ने दो तीन बार डिस्कस कर दिया, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, ये सब हो गया। देखिए नेक्स्ट है, इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल कब बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल कब बनाया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत जो है, देखिए 1919 में जो है ना प्रोविंस में तो डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली जो है प्रोविंस में आता है, लेकिन सेंटर पे जो है ना बाई कैमरलिज्म लाया जाता है, बाई कैमरलिज्म सेंटर पे। और यही फिर जब 1935 आएगा ना तो ये जो है आपको डायरेक्टली जो है सेंटर पे आ जाएगा और बाई कैमरलिज्म आई थिंक उस पर चला जाएगा, ये अगर जानते हो तो कमेंट बताइएगा, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग चीज़ को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम 1919 में बाई कैमरलिज्म आया, कहाँ पे आया तो सेंटर में आया, अपर हाउस बना देख सकते हैं जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया, अभी राज्यसभा जिसको बोला जाता है, लोअर हाउस जिसको कि लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, ये आपको लोकसभा हो जाएगा। 60 मेंबर आपको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में रहते थे, जिससे 20 मैक्सिमम जो है ऑफिशियल हो सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोअर हाउस जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और इसमें जो है 140 मेंबर हो सकते थे, 100 इलेक्ट और 40 नॉमिनेट, ये ध्यान रख सकते हैं। अभी भी ये सब देख सकते हैं ना, 500 कितना है, 45 है कि कितना है आप लोग बताइएगा, और एंग्लो इंडियन को हटाया गया कि नहीं कमेंट बताएंगे, ठीक है। लोकसभा में मैं पूछ रहा हूँ, ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, इतना डिटेल याद नहीं रहेगा लेकिन आप लोग अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस ए बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए मॉर्ले मिंटो 1909 में आता है, लेकिन एमसी रिफॉर्म जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आता है। चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय है, ये कौन है तो सेक्रेटरी है, इसमें मॉर्ले क्या है सेक्रेटरी है, और वायसराय कौन है तो मॉन्टेग्यू है, सॉरी मिंटो है, ठीक है। ये 1909 का भी मैं कंपेरिजन करा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे क्या 1919 के अंतर्गत ये वोटिंग राइट्स दिया गया ऑल वीमेन, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है ऑल वीमेन अबव एज ऑफ 21, अगर 21 साल से ऊपर का एज है तो क्या सभी वीमेन को ये वोटिंग राइट दे दिया गया था। तो आप ही बताइए, इतना साल बाद तक बजट पे मतलब कि डिस्कस करने का अधिकार वगैरह नहीं दिया गया था, तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार, डिस्कस करने का, ये सब कितना लेट लेट तक 1892 में क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, फिर भी वोटिंग राइट्स नहीं था, वोटिंग राइट जाकर मिलता 1909 में। तो इतना जल्दी सभी वीमेन को ये वोट देने का अधिकार दे देंगे, उसमें उस समय प्रॉपर्टी वगैरह के अनुसार देते थे, तो ये तो स्टेटमेंट थोड़ा सा आप देखिएगा तो इनकरेक्ट लगेगा आपको, एक्सट्रीम वर्ड भी है, इलिमिनेट भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत बोला है कि वीमेन को रिजर्व सीट किया गया लेजिस्लेचर में, तो हाँ हो सकता है कि कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया हो, तो ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1918 में पीटेन जो है लिमिटेड सफरेज दिया वीमेन को, जो प्रॉपर्टी होल्डर थे, ठीक है, डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश सिटीजन इन द अदर पार्ट ऑफ एम्पायर। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया वीमेन डिप्यूटेशन जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू को मतलब लीड किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो तो उनको मिली जाकर इंडिया वीमेन डिमांड को इग्नोर कर दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, वोटिंग राइट जो है वहाँ पे नहीं दिया गया, नॉर द राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन में खड़ा होने का भी वीमेन को नहीं दिया गया था। और देखिए प्रोविंशियल काउंसिल को ये चीज़ जो है ना 1919 वाला अलाउ किया कि वीमेन कुड वोट प्रोवाइडेड बाई मेट स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, अगर बहुत ज़्यादा धनी वगैरह है ना तो वोट दे सकते हैं, इनकम अच्छा है तो, जिस वीमेन के पास एजुकेशनल लेवल बहुत हाई है तो, मतलब कुछ कुछ लोगों को दिया गया, ऑल को तो नहीं दिया गया। यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, क्योंकि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस्ड क्लास एससी वीमेन और लेबर, इसको कॉमनल रिप्रेजेंटेशन कब दिया जा रहा है 1935 के एक्ट से, 1919 में सिख यूरोपियन एंग्लो इंडियन को दिया गया, लेकिन ये जो है वीमेन हो गया एससी ये सबको 1935 में आकर दिया जा रहा है। तो 1909 से चालू होता है खेल और 1919 में भी चलता है और फिर 1935 में भी चलता है, तो ये फूट डालो राज करो, ये तो इनका धर्म पे ये बंटवारा करो, ये तो अंग्रेजों का था ही, आज भी इंडिया में उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फॉलो भी हो रहा है, ये इंडिया के लिए एक दुखद मतलब कि समाचार माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में बात हो रहा है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, क्या कर्नवाली से कमेंट बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट एग्जामिनेशन, क्या एक अलग से एग्जामिनेशन होगा इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आज है ना आईएएस जिसको बोल देते हैं लोग, तो क्या उस समय इंडिया में होल्ड
मतलब कि किया जाएगा 1919 की एक्ट के अंतर्गत बताना है। तो हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 1919 में ये बोला गया कि अलग से एग्जामिनेशन होगा और इंडिया में भी होल्ड किया जाएगा पहली बार, पहले इंडिया में नहीं होता था। अंग्रेज एज भी घटाते जाते थे ताकि इंडिया के लोग उतना एज तक तो उतना लिटरेसी ले नहीं पाएंगे, और इंडिया में कराते भी नहीं थे, लंदन वगैरह जाकर ये लोग कराना एग्जाम देना पड़ता था, जैसे आज गाँव में थोड़ी ना होता है ये, कोई ना कोई शहर में ही होता है, तो उस तरह से सोच सकते हैं। तो पहला करेक्ट है इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 में द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। तो जो देखिए 1941 के बाद बोला, अब आज़ादी जो है मात्र 6-7 साल बचा हुआ है, तो उस समय जो है इंडियन सिविल सर्विस में बहुत लोग आने लगे थे, ये हम लोग के जो क्रांतिकारी लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोग का योगदान था, तो हम लोग ये मतलब इंडियन सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव काउंसिल सभी में प्रवेश लेने लगे थे, तो इंडिया का ज़्यादा परसेंटेज होने लगा यूरोपियंस के कंपेरिजन में। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे सी आंसर। 1919 के अंतर्गत इंडिया में हेल्ड हुआ सिविल सर्विस का पहला एग्जाम, और 1941 में, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इतना पता नहीं रहता है या तो छोड़ दीजिए, या तो आर ओ आर ओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से बना सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए सिविल सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन लंदन, और कंपटीशन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था 1855 में, अभी 57 का रिवोल्ट भी नहीं हुआ है, तो लंदन में ही केवल होता था। अब बताइए 1855 से लेकर कब आ रहा है 1919 में, बताइए 70-80 साल के बाद। 1919 का जब एक्ट आया तो उसमें बोला गया कि सेपरेट एग्जामिनेशन होगा इंडियन सिविल सर्विस का, और इंडिया में भी हेल्ड होगा, और फर्स्ट टाइम 1922 में इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक्ट है जिसमें कि सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेज 120 मेंबर के साथ क्रिएट किया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंस क्रिएट किया गया, ये 1919 का ही जो एक्ट था ना, चैम्बर ऑफ प्रिंस क्रिएट किया गया, ठीक है, 120 मेंबर के साथ, याद रखिएगा। और देखिए किंग एम्पेरर जो जॉर्ज पांच थे ना, दिल्ली दरबार में आए थे क्या, कमेंट बताइएगा। वो 23 दिसंबर 1919 को ये घोषणा करते हैं, चैम्बर वाज फॉर्म टू प्रोवाइड ए फोरम, एक फोरम बनाया गया जिसमें कि जो प्रिंसली स्टेट इंडिया के जो हैं उसके रूलर जो हैं उसमें अपने नीड्स को, अपने ज़रूरत को वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट को पता चल सके कि क्या उनका चीज़ है। तो चैम्बर्स कौन सा था, चैम्बर ऑफ प्रिंस 1919 के एक्ट के अंतर्गत, ये सब आप लोग देख सकते हैं। एक एडवाइजरी बॉडी था, फर्स्ट चांसलर जो है इस चैम्बर के महाराजा और बीकानेर गंगा सिंह बने थे, गंगा सिंह बने थे, ये याद कर सकते हैं। देखिए जिस एग्जाम में आ चुका है ना, यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीसीएस में आया हुआ है, तो यूपीपीसीएस वाले ज़्यादा फोकस करेंगे इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे भी, क्योंकि अगले एक बार पूछ लिया जाए तो उसके बाद एडिशनल के साथ पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कौन सा इलेक्शन है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेल्ड किया गया 1919 के एक के अंतर्गत, ठीक है, 1919 के एक के अंतर्गत बोल रहा है। देखिए अब 1937 का बात किया जाए तो 1937 के 1935 का एक्ट आ जाएगा ना, तो उसके अंतर्गत होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो जहाँ पे बी है वो कट कर दीजिए, ठीक है, तो ये दो में आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो या तो ये होगा या तो ये होगा, गूगल पे सर्च करिएगा तो 1945 वाला का नहीं देता है कि इसके अंतर्गत होगा, लेकिन ये दोनों को दे रहे हैं तो सी मान लेंगे। 1926 में देखिए, अब 1919 है तो 1919 के जस्ट उसके 5-6-7 साल बाद थोड़े ना कोई एक्ट आया है, तो ये तो होगा ही, ये तो कन्फर्म है, तो ये दोनों में 50-50 है, और 1945 का भी ये बोल रहा है इसके आपको आंसर की के अकॉर्डिंग, तो यह याद कर सकते हैं। अगर ये डाउट में है आप लोगों को, अगर गूगल से सर्च करिएगा तो कमेंट में बता भी सकते हैं, क्लेरिफिकेशन आपको वार्म वेलकम रहेगा। देखिए एडिशनल कुछ चीज़ें, देखिए आयोग भी गलती करता है और आंसर की को सुधार जाता है, यूपीएससी भी बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर की रहता है, गलत भी रहता है। तो देखिए इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंतर्गत हेल्ड किया गया, लास्ट इलेक्शन बोल रहा है, और 1919 के अंतर्गत बोला है तो 1945 वाला हुआ। अब दो बार पूछ लिया है, एमपीपीसीएस भी पूछ लिया, आरएएस भी पूछ लिया, तो ये तो 1945 वाला 1919 के अंतर्गत नहीं होगा, 1935 के अंतर्गत नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। देखिए अभी आप लोग पढ़ते हैं ना कौन सा आर्टिकल में है ऑर्डिनेंस को इशू करने का, क्या 1, 2, 3 आर्टिकल है क्या आप लोग बताएंगे। देखिए तो ये जो है ना किस एक में वो चीज़ छिपा हुआ था या उस समय से मतलब चालू हुआ, तो 1935 के एक के अंतर्गत ऑर्डिनेंस को इशू करने का ये चीज़ आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 सेक्शन 22 था जो 1935 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं राष्ट्रपति। देखिए ये डीसी बाधवा के जानते हैं क्या, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जरूर बताइएगा, बार बार जो है रिफॉर्मुलेशन हो रहा था ऑर्डिनेंस का तो उसको रोकने के लिए लाया गया था, जैसे केशवानंद भारती केस आया ना उसी तरह से ये भी है, डीसी बाधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, तो ये बोला जा रहा है ना कि मतलब किस एक्ट के अंतर्गत लाया गया था, तो ये जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी लाया गया था, पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। इसमें क्या था ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो था प्रोविंस का गवर्नर भी दे दिया गया,
और जो सेंटर का था गवर्नर जनरल ऑफ को दिया गया, बिहाफ ऑफ क्राउन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आप लोग जानते ही होंगे, फेडरल सिस्टम बोला जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, कौन सा प्लान्स पे ये मतलब कि बांटा गया है जो फेडरल सिस्टम आया। तो ये जो है ना 1935 का एक्ट था ना उसी के अंतर्गत आया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1935 का एक्ट जो है ना उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज़ को मतलब कि एज इट इज भी लिया गया है, कुछ चेंज करके भी लिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है, ठीक है, आप लोग बताइएगा दोस्तों। ये तो हम लोग घटनाचक्र का पी वाई की कर रहे हैं, थ्योरी अगर पढ़ना हो नोट्स हैंड रिटन नोट्स या पीपीटी के द्वारा तो आप लोग बताएंगे, हम इसको पॉलिटी को भी कराने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1935 का जो एक्ट आया ना वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लेकर आया, लेजिस्लेटिव जो पावर था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को वो बांटा। देखिए तो डायरकी हम लोगों ने बताया ना ये सेंटर पे आ जाता है, तो वही वाला चीज़ है। और डायरकी प्रोविंसल कब आता है, कितने बार डिस्कस हुआ है, 1919। फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश करता है और फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश करता है 1935 वाला एक, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन इसमें से जो है नॉट ए सेलियंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो 1935 इतना डिस्कस हो गया आप तो बता ही सकते हैं कि कौन नहीं है। है तो पता चलेगा ना, ऑल इंडिया फेडरेशन करना था तो सही बात है। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वेयर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब बताइए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है जो बच गया क्या ये प्रोविंशियल को दिया जाएगा या आपने अंडर में रखेगा जो ब्रिटिश है अभी। देखिए बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखिए जो प्रोविंस में ये जो है आपको डायरकी लाया गया था 1919 में, लेकिन ये जो डायरकी 1935 के एक्ट के अंतर्गत आ जाता है आपको सेंटर पर, तो प्रोविंस वाला तो हट गया ना, तो प्रोविंस में और थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया गया, इस तरह से याद रखेंगे तो ये तो सही है। अब हम लोग का केवल बी बचा और डी देख लेते हैं। ई टेबल इज द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इट ऑफ द सेंट्रल लेवल, तो डिस्कस नहीं हो गया, तो बस ये चीज़ सही है तो बच कौन गया, तो बी आंसर। तो इस तरह से आप लोग इसको चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखा 1935 का एक जो है उसके द्वारा किया जाता है, ये सारा चीज़ आप लोग इसको वीडियो में रोक दिया हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है ना बट फर्दर इन इट्स अमेंडेड आंसर की डी वाज चूजन इज द करेक्ट आंसर, डी कैसे करेक्ट हो जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब दिया जा रहा है, 1935 में ही दिया जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ब्रिटिश इंडिया वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ये क्या बोल रहा है, सॉरी इंट्रोड्यूस का बात हो रहा है, तो 1919 वाला ये डी भी हो सकता है आंसर इसका। अब देखिए इसमें पढ़िए, सेंट्रल का जो कंट्रोल था ना ओवर प्रिंस वाज रिलैक्स बाय सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का वहाँ पे क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया गया, बाइक कैमरिजन आया तो थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन हो गया था और ज़्यादा, लेकिन ऑटोनॉमी कब मिलेगा 1935 में जाकर, तो 1900 ये इंट्रोड्यूशन का बात पूछा था, तो डी आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्रोविंशियल बजट को भी सेंट्रल बजट और ऑथराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से भी अलग कर दिया गया था, देख सकते हैं। और जो 1935 का एक्ट है ना और ज़्यादा एक्सटेंड किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, तो ये ज़्यादातर मतलब कि ये माना जाता है, लेकिन इंट्रोड्यूशन का बात है तो 1919 को भी मार सकते हैं। जे आई थिंक जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है। ए फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, फेडरल सिस्टम और डायरकी सेंटर पे, देखिए डायरकी जो प्रोविंस 1919 से आता है सेंटर पे बाद में आता है, किससे 1935 से, कितना बार डिस्कस हो गया। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ऑल इंडिया फेडरेशन कौन से 1935 के एक्ट से, ठीक है दोस्तों। देखिए 2012 का यूपीपीसी से क्वेश्चन है, कौन सा एक जो है एक फेडरल पॉलिटी का बात करता है, फेडरल पॉलिटी मतलब कि सेंटर और स्टेट दो सेपरेशन ऑफ पावर का बात किया जा रहा है, तो 1935 का एक अभी हम लोग डिस्कस किया। तो देखिए यहाँ पे आ गया, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर ये गलत स्टेटमेंट एक में था, इसको घुमा के आगे पूछ लिया गया, दो में पूछा गया, देख सकते हैं यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो ये जो है गवर्नर जनरल को दिया गया, क्यों, देखिए अब देखिए जैसे अभी भी जो है ना आपको यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट तो सेंटर रखती है, स्टेट लिस्ट स्टेट लगती है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो है दोनों का होता है, लेकिन उस समय जो रेसिड्यूरी पावर अभी भी रेसिड्यूरी पावर यूनियन लिस्ट के पास है, तो वही गवर्नर जनरल के पास रहेगा ना, इससे रिलेट कर लीजिएगा कंटेम्प्रेरी को उस समय से। फेडरल सिस्टम को प्रपोज किया गया 1935 के एक अंतर्गत क्या बनाया गया, क्या फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया या ऑल इंडिया फेडरेशन, कितना बार दिया गया ऑल इंडिया फेडरेशन, सॉरी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, बी आंसर, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा मतलब कि ये किया गया है, फ्रेम किया गया है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें, अभी डिस्कस किया था ना बहुत सारा था इसमें, फेडरेशन ऑफ इंडिया देखिए टर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस चीज़ को ध्यान रखना है,
एक टर्म से भी गलती हो जाएगा, ऑल इंडिया नहीं है, फेडरेशन ऑफ इंडिया बी आंसर है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा इसमें से जो है ना नॉट एन इम्पॉर्टेंट, नॉट का बात कर रहा है ये, ध्यान रखिए इसके चलते क्वेश्चन गलत होता है, और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में अडॉप्ट जो किया गया, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो फेडरेशन का स्कीम लाया गया, फेडरेशन दो मतलब कि सेंट्रल और स्टेट में बांटा गया, ये तो करेक्ट है। अब देखिए नॉट पूछा है, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेचर में ये भी लाया गया। अब देखिए यहाँ पे है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लेजिस्लेचर, ये भी लाया गया। और देखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए नहीं लाया गया, कौन ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है, कमेंट आप लोग बताएंगे। और सबसे वर्ल्ड में सबसे मतलब कि लार्जेस्ट बिगेस्ट सबसे लेंदीएस्ट रिटेन डिटेल्ड किसका है कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग बताएंगे। देखिए ये आप लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगस्त ऑफर के द्वारा देखिए डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त ऑफर में 1940 में, इन विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंकर्ड दैट फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्राइमरी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन देमसेल्फ, मान लिया कि इंडियन लोग बनाएंगे ये, लेकिन 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जब आता है तो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट आते हैं इंडिया में, तो प्रपोजल तैयार करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस पर कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वर्ल्ड वार दो जब खत्म होगा तब, तो ये तो अभी तो 1945 तक चल रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अगस्त ऑफर एक्सेप्ट किया था लेकिन क्रिप्स जब आएंगे तो इस चीज़ को मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वाई वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना सब हो गया कहानी, अब पूछ रहा है कि राम जी वनवास क्यों गए थे, तो देखिए मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ से मैंने बताया ही पहले कि बहुत सारा चीज़ लिया गया एटीटीज और कुछ चेंज करके भी, और इंडिपेंडेंस टू इंडिया, आज़ादी तो 1947 मिलता है, ये तो गलत है। इट इन्विजेस पार्टीशन ऑफ टू इंडिया, ये नहीं, पार्टीशन ऑफ इंडिया क्या कैबिनेट मिशन के तहत मिलता है या मॉन्टेग्यू सॉरी ये माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत मिलता है, आपको बताना है दोनों में। इट एबोलिश द नेटिव स्टेट, ये भी नहीं सही है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारा प्रोविजन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी सेंटर पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो फेडरल सिस्टम बोलते हैं, फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, सब यहाँ पे 1935 के एक्ट से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा एक्ट है जो लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था 1935 के एक्ट से 1937 में किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे आइडिया आया क्या आया, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके अगर बुक रही हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ये कौन किसके बने थे ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, इतना बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, उसको अपलोड करने में, गला भी दुखता है, फिर भी आप लोग का थोड़ा सा भी फर्ज होता है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। आप लोगों के मतलब कि एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है काम करने का मजा। देखिए हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान का जो मतलब कि सभा पहली बार मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके लिए संविधान सभा होना चाहिए, इसका आइडिया कौन लेकर आते हैं, तो स्वराज पार्टी 1934 में जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा इसका आइडिया लेकर आती है, आप लोग देख सकते हैं रांची में एक कॉन्फ्रेंस होता है उसी में यह चीज़ लाया जाता है, और बोला जाता है इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होंगे बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज पे, इनका ये रिकमेंडेशन है स्वराज पार्टी का। देखिए नेक्स्ट है हु इन द बिगनिंग प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्री इंडिपेंडेंस डे का बात किया जा रहा है, तो ये एम एन राय जो है ना ये अभी 1934 में एम एन राय के द्वारा दिया जाता है, यही है आपके कौन सा स्वराजिस्ट वाले फर्स्ट फॉर्मल डिमांड जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाने के लिए स्वराज पार्टी फॉर्मल का बात हो रहा है, फॉर्मल का बात किया जाए 1934 के मई में, लेकिन एम एन राय उसको पहले दे चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन है ये बोल रहा है कि कौन ऐसा बोले हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलोन कैन प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपुल, मतलब कि जो हम लोग संविधान सभा बना रहे हैं ना वो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा देसी रूप से, मतलब हमारे देश के लोग बनाएंगे, और ये जो है इंडिया के लोग के बिल और पूरा रूप से उनके सत्यता पे मतलब कि फुलफिल करेगा, ये जो है किस कौन इस चीज़ को बोले हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो महात्मा गांधी है ना इन्होंने इस बात को बोला है, महात्मा गांधी का तो पूरा इतिहास ही अलग है, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी एक आर्टिकल लिखे थे, ये थोड़ा सा मतलब कि स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, द ओनली वे हरिजन में लिखे थे, ये हरिजन एक पत्रिका था 1939 में, उन्होंने बोला था
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलोन कैन प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनियस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। तो ये चीज़ को अब आ गया यूपी एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना है, अदरवाइज थोड़ा सा मतलब कि यूनिक फैक्ट है। और देखिए महात्मा गांधी जो है आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और कौन सा बुक से ज़्यादा ये क्या ऑन टू द लास्ट करके बुक था, फास्ट करके ये बताना है आपको, कौन सा बुक था जिससे इंस्पायर होकर ये सारा किए थे अहिंसा वगैरह। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, संविधान बनाने का फ्रेमिंग करने का प्रपोजल, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो किसके द्वारा मीट किया गया, तो क्रिप्स मिशन। देखिए एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया के लोग बनाएंगे ये अगस्त ऑफर में, लेकिन ये फ्रेमिंग करने के लिए प्रपोजल क्रिप्स मिशन लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा तो बोले कि ये आप लोग एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए बनाइए। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, बोल रहा है कि प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, और ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नोमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। ये इलेक्टेड का बात बोल रहा है यहाँ पे, नोमिनेटेड दोनों के द्वारा बोला है, प्रोविंशियल के द्वारा भी बोला है और प्रिंसली स्टेट के द्वारा भी बोला है, और बोला है कि एनी प्रोविंस, और करेक्ट पूछा है, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ये सही था कि मान लीजिए आप अगर कोई प्रोविंस है और आप चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आ रहा है हम नहीं एक्सेप्ट करें, तो आप ब्रिटेन के साथ मिल सकते हैं। दूसरा तो करेक्ट था, पहला का हम लोग को देखना है, दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है, क्यों? तो नोमिनेशन का या इलेक्टेड का बात बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है, डोमिनियन स्टेटस का बात बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमिनियन स्टेटस तो हम लोग ने 1929-30 के जो ये होता है पूर्ण स्वराज का जब डिमांड हम लोग करते हैं, उसी समय हम लोग फुल इंडिपेंडेंस मांगते हैं, ये तो कब का खत्म होगा, अभी भी अंग्रेज दे रहे हैं, तो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं था। और बोले कि कोई भी प्रोविंस जो इंडिया डोमिनियन को मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहता है, एक सेपरेट यूनियन बना सकता है और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। देखिए जो असेंबली में जो मेंबर आएंगे ना वो इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल असेंबली से, और नोमिनेट किया जाएंगे प्रिंसली स्टेट से। देखिए अब देखिए कुछ कुछ प्रोविंशियल जैसे कि जो ब्रिटेन थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका अपना प्रोविंस बना हुआ था ना, तो वहाँ से इलेक्ट होकर आ जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है जो राजशाही जो राजा वगैरह का शासन था वो लोग नोमिनेट करके अपना भेज देंगे। तो कुछ गए थे जैसे आई थिंक कि गंगा सिंह का हम लोग नाम देखे थे, तो उस तरह से हो जाएगा। तो करेक्ट पूछा था, दूसरा होगा पहला इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बोला जा रहा है कि इन द असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन द रेशियो टू विच पॉपुलेशन। तो एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा कितना पॉपुलेशन पे आएगा, तो 10 लाख पॉपुलेशन पे आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, संविधान सभा में एक प्रोविंस है 10 लाख मेंबर पर एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में आता है। आप लोग को बताना है कि इंडिया का पार्टीशन कैबिनेट मिशन के तहत होता है या आपको माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत होता है, जल्दी से बताइए। तो जो कैबिनेट मिशन आया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक प्रपोजल लाया, ठीक है, और बोला कि रिप्रेजेंटेशन प्रोविंस का भी होगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रहेंगे, और जो प्रोविंशियल स्टेट है वहाँ से नोमिनेट करके आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट कमीशन, कौन जो है मेंबर नहीं है कैबिनेट कमीशन के। तो देखिए ये जो है क्रिप्स तो हैं, पैथिक लॉरेंस भी है, ए बी अलेक्जेंडर भी हैं, लेकिन विलियम वुड ये जो है नहीं थे। ये 3 लोगों का नाम रखना है, क्रिप्स जी, लॉरेंस जी और अलेक्जेंडर जी, काल से याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको ट्रिक लगे कुछ याद कर लीजिएगा बना के। तो इसके हेड कौन थे ये आप लोगों को बताना है, क्या क्लिप्स थे कि ये लॉरेंस थे, बताइए। विलियम वुड नॉट ए मेंबर ऑफ द ये थे, और देखिए पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे उस समय, स्टॉफर्ड क्रिप्स जो है चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और ए बी अलेक्जेंडर नेवी मिनिस्टर थे। और देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना इस्टेब्लिश किया गया, तो अभी हम लोग देखा कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत ये हम लोग का संविधान सभा का बनाया गया, और 9 दिसंबर 1946 का क्या पहला मीटिंग होता है ये आप लोग कमेंट बताएंगे, और पहले इसके अस्थाई मतलब कि टेम्पोररी अध्यक्ष कौन बनते हैं, क्या सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्या वो बिहार से थे, आप लोगों को बताना है, और ये बताना है कि परमानेंट कौन बनते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को बताना है। और देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये भी याद रखना है, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं करना है। यहाँ देखिए ये क्या बोला था यहाँ पे, ये
मतलब कि इलेक्शन होगा लेकिन इनडायरेक्ट ये प्रोविंस वाले में, प्रिंसली वाले तो नोमिनेट करके भेज देंगे, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्लान है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट करता है, तो कैबिनेट मिशन रिपीटेड है। इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 1946 में, ठीक है, अंतरिम सरकार। उस समय बोला जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार्ज कब लेते हैं, 2 सितंबर 1946 को, और वाइस राय वाज द एग्जीक्यूटिव एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो 1946 में बनता है ना, उसके मतलब कि मेंबर नहीं है। देखिए राजगोपालचारी नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद तो रहेंगे ही, वो तो लेते ही हैं, तो यहाँ पे सॉरी राधा कृष्णा नहीं है, डॉक्टर एस राधा कृष्णा, जो कि बाद में आपको पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं क्या, आप लोग बताएंगे। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 2 सितंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग होता है, क्या कमेंट बताएंगे। अब देखिए न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, सी राजगोपालचारी जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, सी राजगोपालचारी रहते हैं ये। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, जगजीवन राम कौन सा रहते हैं, लेबर के मिनिस्टर रहते हैं। एस राधा कृष्ण जो है ना उस समय कोई भी ये मेंबर नहीं थे। अब देखिएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस किया गया कब, तो 24 अगस्त को अनाउंस किया गया, लेकिन 2 सितंबर को आपको उसका चार्ज लेते हैं ये लोग। अब आ जाता है अच्छा क्वेश्चन है ये आपको, एसर्शन रीजन वाला है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि अकॉर्डिंग टू वेबल प्लान, क्या 1945 में आता है क्या, ये आप लोग पहले अभी कमेंट बताइए। देखिए ये आपको कमेंट करने से आप ही का चीज़ रिकॉल होगी। अब देखिए द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेर टू इक्वल, और बेबल प्लान बोल रहा है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों इक्वल रहेंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा, और बेबल बोल रहा है कि दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है उसको ये मना कर रहा है। तो देखिए बहुत लोग थे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के पक्ष में नहीं थे, तो कौन सा कैबिनेट मिशन पक्ष में था कि नहीं, ये अभी आपको कमेंट बताना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है बराबर रहेगा, ये बात तो सही लग रहा है, और जब सही लग रहा है तो ये पार्टीशन का विरोध भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये सही है, बट आर इज फॉल्स। देखिए ये है कि हिंदू मुस्लिम बराबर रहेंगे, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ना ये पार्टीशन ऑफ इंडिया को अवॉइड नहीं करता है। 1943 में देखिए बेबल जी जो हैं लॉर्ड लिंडी को सक्सेस करते हैं और वायसराय बनते हैं, मतलब कि लिंडी के बाद बेबल आते हैं, और डेडलॉक जो इंडिया में बना रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बने नहीं बने उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और देखिए ये इंग्लैंड में जाते हैं और कंसल्ट करते हैं 1945 में, फिर यहाँ पे आते हैं, डिस्कस करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और कुछ प्रपोजल लेकर आते हैं 1945 जून में, और यहाँ पे बेबर प्लान उसी को बोला जाता है, और बोलते हैं कि गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसमें जो है हिंदू मुस्लिम को बराबर बराबर दिया जाए, ठीक है, बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लेकिन ऑल पोर्टफोलियो एक्सपर्ट डिफेंस को छोड़ के वेयर टू बी हेल्ड बाई इंडियन मेंबर्स, डिफेंस केवल अंग्रेजों के हाथ में अभी भी था, और सब दे दिया गया, और फॉरेन डिपार्टमेंट भी इंडिया को दे दिया गया, ये ध्यान दिख रहा है। द बेबल प्लान प्रपोज इक्वल रिप्रेजेंटेशन हिंदू मुस्लिम का दे दिया गया। अब देखिए वायस राय एंड कमांडर इन चीफ इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, वायस राय तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, और कमांडर इन चीफ का भी देख लिया जाए यहाँ पे, तो उनको छोड़ के ऑल मेंबर्स वेयर टू बी इंडियन, दो ही लोग केवल अब दूसरा ये हो सकते हैं, नहीं तो सब इंडियन होंगे, ये ध्यान रखना है, कमांडर इन चीफ और वायस राय। एक कॉन्फ्रेंस होता है शिमला में, देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, यही बेबल प्लान है, और वहाँ पे ये बोला जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, 1945 में ये वर्ल्ड वार भी खत्म होता है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए इंडिया बनाएगा, और ये क्लियर किया जाता है कि वेबल प्लान टू इंटेंड टू रिमूव द डेड लॉक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे फंसा हुआ था तो इसको तोड़ दिया जाएगा, ये बोल रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस को इंडिया करे इसके लिए प्रमोट किया जाएगा, नेवर इंटेंडेड टू यूनाइट द हिंदू मुस्लिम टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये चीज़ तो था कि हिंदू मुस्लिम को बराबर दिए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि इंडिया मुस्लिम का एकता बने रहे, ये पार्टीशन को चाहते ही थे, ये चीज़ हमेशा याद रखें, अंग्रेज कभी भी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो नहीं किया है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट है इसमें टू रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो विधानसभा के बारे में, देखिए असेंबली वाज बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, बेस्ड एडल्ट सफरेज का बात कर रहे हैं, असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, देखिए हम लोग अभी देखे थे ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन पे था, और जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट था उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन से था, प्रिंसली जो थे नोमिनेट करके भेजेंगे और 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेशन का ये था, और असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, ये तो हो सकता है, दूसरा इनकरेक्ट है, देख लीजिए ट्रू पूछा ना तो दूसरा इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है,
तो ये दूसरा इनकरेक्ट है, तो बस बच गया 3 और 4 इलिमिनेशन से बन गया। पहला भी एडल सफरेज पे नहीं था, देखते हैं हम लोग क्या है। असेंबली वर्क थ्रू द वेरियस कमिटीज, बहुत सारा कमेटी बनेगा नॉर्मल सा। ये तो चौथा स्टेटमेंट यूपीएससी का क्वेश्चन है। इलेक्टोरल कॉलेज पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो बना ना, इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस से बना, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये ध्यान रखना है। एक जगह इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। एडल्ट सफरेज पे नहीं था, पीपुल्स फेयर पार्टी वर इन्वॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ए नंबर ऑफ कमिटी टू ऑपरेटिव वर्क, तो सारा डिटेल दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन के थ्रू इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में मेन काम क्या है कि इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन निकालने आना चाहिए, ज़्यादा नॉलेज का भी जरूरत नहीं है। नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, तो अभी हम लोग ने एक स्टेटमेंट देखा कि एडल्ट फ्रेंचाइज पे था तो सफरेज पे था, गलत था, तो नॉट तो ये सही हो जाएगा। रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये तो गलत है, इनडायरेक्ट इलेक्शन पे था। नॉट ए मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी बॉडी था तो ये गलत हो जाएगा। वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के ये बना दिया गया है। तो देखिए करेक्ट पूछा है तो ए एंड डी हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हो गया, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे था, ठीक है, नॉट ये एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया गया था, कोई भी आकर उसमें आ जाएगा, नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन था इसलिए भी वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखिए पहला पढ़िए कि एक लार्ज नंबर ऑफ कमेटी बना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड क्या बी आर अम्बेडकर थे, और ड्राफ्ट किस चीज़ का करना है, मतलब वो आप वहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो वो तो सही है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे क्रिश्चियन हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, पारसी हो गए, इनको भी इसमें कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ये भी सर करेक्ट है दोस्तों। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे था, यूनिवर्सल सभी को नहीं दिया गया था, तो यही इनकरेक्ट है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और इट इलेक्टोरल प्रोसेस बेस्ड ऑन द सिक्स शेड्यूल ऑफ एक्ट ऑफ 1935 जो कि अलाउड किया रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, जो अभी हम लोगों ने लिमिटेड देखा, यूनिवर्सल पे नहीं था। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप का एक मतलब कि विरोध कर रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ये दोनों में आप फंसेगा। और जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी है, टैक्स दे रहे हैं, ज़्यादा एजुकेशनल है, तो वो लोगों को मतलब कि लाया जाए, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था, मतलब कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इजिली आ जाएंगे, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जा रहा है। ये आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर, तो जो बहुत सारा प्रोविंस था ना उसी के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। ये देखिए इलेक्ट है प्रोविंशियल प्रोविंशियल ये प्रोविंस के द्वारा, लेकिन ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी के अंतर्गत है, यूनिवर्सल नहीं है। और आपको जो आपको वहाँ थे कौन से प्रोविंस वाला हो गया ना, प्रिंसली स्टेट जो थे वो जो है आपको कैसे करके भेजते थे, नॉमिनेट करके भेजते थे, यहाँ तो इलेक्टेड है लेकिन यहाँ से नॉमिनेट करके आते थे। तो ये चीज़ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक इंफॉर्मेशन है, ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट और ए ग्रुप ऑफ स्टेट वेर एलोकेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:1 मिलियन, 10 लाख पर एक को मैंने ऊपर ही बताया था। 292 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, कितने 292, आगे क्वेश्चन भी कहीं मिल सकता है। और 4 जो है मेंबर को रिप्रेजेंट चीफ कमिश्नर प्रोविंस के द्वारा आया था, और जितने भी अलग थे प्रिंसली स्टेट्स उनके द्वारा 93 मेंबर आए गए थे। तो 292, 93 और 4, 292, 93, इतना तो याद रखिए कम से कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन हिस्ट्री में मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेज, तो कैसे आते थे प्रोविंस से, अभी हम लोगों ने बताया कितना बार हो गया, तो कैसे आते थे, ये नॉमिनेट करके आते थे, डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थे ये आपको। तो यहाँ पे देखिए इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली, तो प्रोविंस जो था वहाँ से इलेक्ट होकर आते थे लिमिटेड फ्रेंचाइजी के अंतर्गत। और ये प्रोविंस डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, ये गलत है। नॉमिनेट किए जाते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एंड मुस्लिम लीग, ये भी गलत है। प्रिंसली स्टेट के द्वारा जो है कुछ नॉमिनेट करके आते थे। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, गवर्नमेंट एक्सपर्टीज को नहीं करते थे, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली शो कराते थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बना था, हम लोगों ने देखा था ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो नेक्स्ट है हाउ वेयर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते थे, तो अभी हम लोग देखा प्रोविंशियल असेंबली से, ये किसका बात कर रहा है, इलेक्ट का बात हो रहा है। अगर नोमिनेट का बात करेगा तो वो आ जाएंगे आपको प्रिंसली स्टेट से। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे, तो पहला पूछ रहा है। देखिए इसमें परमानेंट टेम्पोरी कोई नहीं कहता, सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले, लेकिन यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद दे रहा है, क्यों इलेक्टेड का बात बोल रहा है। यहाँ देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना टेम्पोरी थे चेयर, फर्स्ट मीटिंग के थे,
जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, मैंने ऊपर भी बता दिया, और अनियोनियसली इलेक्ट किए गए। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है ये परमानेंट चेयरमैन बन के आते हैं कब, 2 दिन बाद, ये 9 दिसंबर को होते हैं, जस्ट 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं, और सज्जनार सिन्हा बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। देखिए तो बहुत वृद्ध है, और क्या इनका बिहार में क्या योगदान है कमेंट बताइएगा। जे बी कृपलानी ने राजेंद्र प्रसाद का नाम रिकमेंड भी किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कौन चेयर करते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट डे ऑफ सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा का 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को कौन बन जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड चेयरमैन तो परमानेंट बनते हैं, ये टेम्प्रोरी सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, तो कब, तो 1946 दिसंबर, लेकिन 11 दिसंबर 9 को सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था तो सही है, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट सत्यनारायण सिन्हा थे तो ये गलत है, ये टेम्प्रोरी थे। परमानेंट का बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद है 11 दिसंबर को बनते हैं, तो दूसरा इनकरेक्ट है। मुस्लिम लीग बायकॉट करता है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला तो दूसरा आप काट दीजिए, ये पूछ रहा है ट्रू, तो जहाँ पे भी दूसरा दिख रहा है उसको कट कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया, सॉरी ट्रू पूछा है ना। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे आई थिंक गलत आंसर दे रहा है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए ये जो है आंसर दिया जा रहा है ये, तो 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू। तो पहला तो फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर को चलो होता है, सही है, ये जो है ना फर्स्ट परमानेंट ये नहीं है, दूसरा तो गलत है, पहला और तीसरा हो सकता है, तो ये हो सकता है, इसको आप लोग कमेंट में आप लोग अपना तरफ से बताइएगा क्या है। और मुस्लिम लीग क्या बॉयकाट करती है पहला मीटिंग को कि नहीं करती है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। देखिए चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, तो जब सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं दिया गया था राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन बनते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया का बात किया जा रहा है तो राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब डिप्टी चेयरमैन का बात हो रहा है, चेयरमैन तो राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी चेयरमैन फ्रैंक एंथोनी फर्स्ट है नॉमिनेट किए गए थे 9 दिसंबर 1946 को टेम्प्रेरी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अब देखिए ही एस्टेब्लिश ऑल इंडिया एंग्लो इंडियंस एसोसिएशन 1942 में, ये एक नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी थे, 7 टर्म्स तक ले काम किए थे ये 1992 तक भी। और एस सी मुखर्जी जो है यहाँ पे फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है परमानेंट। अब देखिए जैसे सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा मतलब ये टेम्प्रोरी थे, उसी तरह से टेम्प्रोरी में ये जो है फ्रैंक एंथनी है, और परमानेंट में एस सी मुखर्जी आएंगे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे उस तरह से। अब देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश कब होता है, तो 9 दिसंबर 1946 को जब सच्चिदानंद सिन्हा उसका स्टार्टिंग करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, और 23 दिसंबर 1946 को ख़त्म होता है, 207 मेंबर पहले मीटिंग में रहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 5वां मीटिंग में लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, दो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, आगे मिलेगा क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश किया गया 1946, डिप्टेड है। फर्स्ट सेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिला, 9 दिसंबर 1946, डिप्टेड है। को किस मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, तो किस में किया, 5वां में किया, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ, अब रिजोल्यूशन लाए, प्रस्ताव लाएंगे किस तरह से बनेगा। नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो अब कब किया ये भी बता दे रहा है, 5वां मीटिंग में लाया, तो 13 दिसंबर 1946। देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 9 को चालू हुआ था, 5वां याद है, तो 1, 2, 3, 4, 5 उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट भी कर लिया जाता है अनियमियसली, ठीक है। इट अमेंडेड फॉर्म सर्व्स एज अ प्रीएम्बल टू द करेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही उन लोग का प्रीएम्बल है। रिजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू, तो 5वां मीटिंग में, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्राफ्टिंग कमिटी पर के सामने लाने बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो किसने प्रपोज किया था, अभी हम लोग देखा जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 5वां मीटिंग में। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया, तो जवाहरलाल नेहरू, वहीं डिप्टेड है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है, क्या रिजोल्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव का नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या प्रीएम्बल जो है फुलफिल करता है वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, एम्स को, तो ये भी करेक्ट है, प्रीएम्बल में ही तो सारा चीज़ बोला, इसको बताइए प्रीएम्बल को जो है ना आपको इंट्रोडक्शन या प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है,
ये नेपाल के वाला का क्या स्टेटमेंट है, ये सब आप लोग बताएंगे। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब आएगा टॉपिक। पीपुल्स ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे देखिएगा तो तीसरा भी सही है। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली का बात यहाँ पे आ रहा है तो ये गलत है, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन था। तो ए स्टेट ये हो जाएगा, चार जहाँ पे भी है आप लोग गलत कर सकते हैं, इस तरह से आपका आंसर इन्वेस्टन भी निकल जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। पीपुल का रिप्रेजेंटेशन था, इलेक्टेड मेंबर थे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थे ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के थे, और अदर थ्री स्टेटमेंट है करेक्ट, देख सकते हैं आप लोग। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वी आर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितना सेशन हुआ, तो 12 सेशन हुआ, 12 मंथ से 12 सेशन याद रखेंगे। 2 साल लगा, 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 11 सेशन हो चुका था और 165 दिन तक। और यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है जब हम लोग लास्ट डे होता है, 11th सेशन जब होता है तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और इफेक्ट में कब आता है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये जो है 26 नवंबर 1949 को मतलब कि एडॉप्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ मतलब प्रीएम्बल में भी ये चीज़ डेट लिखा हुआ है 24 जनवरी 1950 को। 11th ये एक और मीटिंग होता है जिसमें कि सिग्नेचर करके हम लोग सारा चीज़ को इफेक्ट में ला देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द करेक्ट डेट लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो ये 24 जनवरी 1950 को होता है लास्ट मीटिंग। देखिए 26 जनवरी 1949 को 11th वाला होता है, लेकिन 12 वाला 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र होता है। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक द फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट वगैरह है ये बताना है। फाइनल सेशन जो होता है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को होगा ना, यहाँ देखिए 24 जनवरी को ही होता है जिस दिन हम लोग का राष्ट्रगान एक्सेप्ट करते हैं ये सब, तो 24 जनवरी ये भी करेक्ट है, 24 जनवरी, मैंने गलती से बोल दिया कि जिस दिन गणतंत्र हुआ वो 26 जनवरी था। राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर टू बी ड्यूली इलेक्टेड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनल सेशन, तो ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया ना वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इसमें 3 मेंबर्स थे, हम लोगों ने देखा था पॉथिक लॉरेंस दी थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर, तीनों में हेड कौन थे ये बताना है, उसको लीड कौन कर रहे थे। मार्च 1946 में आए थे इंडिया में, फर्स्ट मीटिंग 1946 को हुआ, 11 सेशन हुआ 2 साल में, और जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। और यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को जो है 12वां सेशन होता है और उसी समय फाइनल सेशन में हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं 24 जनवरी को, और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दिया जाता है। और देखिएगा ड्यूरेशन कितना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन रिपीटेड है। और देखिएगा तो 299 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्राफ्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन का, 3 साल का लगभग टाइम लगा था। देखिए यहाँ पे मैच कराना है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो एक हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वो एंथनी करके थे, लेकिन एसी मुखर्जी इंडिया के थे। और यहाँ पे देखिए ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कांग्रेस से ओनली ड्राफ्टिंग में कौन थे, कृष्णमाचारी थे कि कौन थे ये देखना होगा। और देखिए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि राजस्थान प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है, क्या के एम मुंशी थे आप लोग बताना है। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बना था उसके चेयरमैन कौन है, तो एसी मुखर्जी तो ये पहले वाले को हो जाएंगे, पहले वाइस चेयरमैन, तो एक का चार हो जाएगा, इतना तो पक्का है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक का चार बी आंसर हो जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट एसी मुखर्जी और ओनली कांग्रेस के द्वारा के एम मुंशी थे उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में जिसको कि लीड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर, और राजस्थान से जो थे वी टी कृष्णमाचारी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू हेड थे, ठीक है। और फर्स्ट टेम्परल वाइस प्रेसिडेंट का बात किया जाए फ्रैंक एंथनी थे, जैसे सज्जनदान सिन्हा है ना उस तरह से, और राजेंद्र प्रसाद जैसे हैं उस तरह से एसी मुखर्जी। कंपेरिजन करिए याद होगा चीज़ों को, रिवर्स इंजीनियरिंग और कंपेरेटिव टेक्निक से ज़्यादा चीज़ें याद होती है, देख सकते हैं आप लोग। हुम वाज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, देखिए सलाहकार का बात किया जा रहा है फॉर्मेशन के समय कौन थे, तो बी एन राव, इनका पूरा नाम सर बंगाल नरसिंह राव था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे। फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किसके द्वारा किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट का बात हो रहा है, तो ये बी एन राव के द्वारा ही किया जाएगा, बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और फर्स्ट ड्राफ्ट भी तैयार करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, सॉरी ये हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 243 आर्टिकल उस समय था और 13 शेड्यूल भी था, अभी कितना आर्टिकल हो गया है आप लोग को बताना है और कितना शेड्यूल है।
वेन वाज थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब बताइए ये थर्ड रीडिंग कब हुआ, ये तो डेट ही पूछा जा रहा है। थर्ड रीडिंग देखिएगा तो यहाँ पे 17 नवंबर 1949 को होता है, 26 नवंबर 1949 को जो कि यहाँ पे कंप्लीट होकर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होता है, हम लोग एडॉप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ये इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है प्रीएम्बल, और इसमें जो है देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ये डेट प्रीएम्बल में भी डाला हुआ है। और कौन कौन सा जो वर्ड है जो 42वां अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में जोड़ा गया था, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ मैंने बताया वही सब चीज़ है। इन्फोर्समेंट में 26 जनवरी 1950 को आता है, ठीक है। ये 26 जनवरी को 1930 में क्या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए इसको इस डेट को लाकर लाया गया है। ये 26 नवंबर को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब इफेक्ट में आया है ये पूछा जा रहा है, तो 1950 में जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में कब आया, 1950 में 26 जनवरी को, ये सब लोग पढ़ सकते हैं, वही चीज़ है। 26 जनवरी को सिलेक्ट किया गया डेट फॉर इनोग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ही इफेक्ट में क्यों आ रहा है, तो क्यों, क्योंकि इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस मनाए थे 1930 में रावी नदी के किनारे, तो ये चीज़ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हिस्ट्री वाला सेशन है, लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में होता है, उसको जवाहरलाल नेहरू लीड करते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने लगते हैं इसलिए, लेकिन आज़ादी तो हम लोग को 15 अगस्त को मिल जाता है, तो इंडिपेंडेंस डे ना मनाकर रिपब्लिक डे इसको घोषित कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर के कुछ दिन एक्सेप्ट किए थे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये तो करेक्ट है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो नहीं 26 नवंबर 1949 को ये किया गया क्या, तो मुझे तो दूसरा गलत लग रहा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ना। देखिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस बोला जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को द्वारा इसको घोषित भी कर दिया गया है। एमोंग ऑल द कमिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी क्या था, ड्राफ्टिंग कमिटी जो 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया था, यह कमेटी जो है एक ड्राफ्ट बनाना था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और 7 मेंबर का यह कमेटी था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया इस दिन 26 नवंबर 1949 को, नहीं अगस्त में हो गया 1947 में ही, देख सकते हैं, ये दिमाग भी लगा सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बनेगा तभी तो इस दिन आकर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों करेगा, वो तो आज़ादी देकर चला जाएगा ना, गवर्नर जनरल नहीं करेंगे, इंडियन पार्लियामेंट भी नहीं करेगा। 11th सेशन 26 नवंबर 1949 को किया जाता है, और 12th सेशन में फाइनल वो कर लिया जाता है इन्फोर्समेंट में 24 जनवरी को जो होता है 12वां सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंटैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देख सकते हैं कितना वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन सभा का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन, अडॉप्ट और इनेक्ट दोनों का बात पूछ रहा है, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट हो गया, लेकिन ये जो है अगर इन्फोर्समेंट का बात किया जाए 1950 में केम इनटू फोर्स आया था। अब देखिए कोनुंजो का ऑर्डर में सदाना है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट का बात किया जाए तो अभी हम लोगों ने देखा 1947 में ही अगस्त के आसपास में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनेक्टेड, तो ये अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अडॉप्ट करने का 26 नवंबर 1949 होता है। कमेंसमेंट का बात हो रहा है, ये आई थिंक 1950 वाला हो जाएगा, 26 जनवरी हो जाएगा ये। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट, तो ये 9 दिसंबर को मिलते हैं 1946 में, तो पहले तो 4 नंबर हो जाएंगे, फिर ये एक हो जाएंगे, 4-1 देख लीजिए, 4-1 और फिर 2-3, 2-2 में 1949, और ये कमेंसमेंट वाला 50 में है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बी आर अम्बेडकर इलेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कहाँ से होते हैं, देखिए ये बी आर अम्बेडकर मऊ मध्य प्रदेश में जन्म होता है, लेकिन ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुन के आते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बी आर अम्बेडकर इलेक्ट होते हैं अनडिवाइडेड बंगाल,
लेटर ऑन दिस रीजन बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये बंगाल वाला जो है पार्टीशन मतलब कि बांग्लादेश में चला जाएगा। अंबेडकर इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द पुणे सीट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुणे से जीत कराते हैं। और एम आर जयकर जो है रिजाइन कर दिए रहते हैं, तो इसके लिए बी आर अम्बेडकर जो है इलेक्ट होते हैं फ्रॉम ईस्ट बंगाल नॉर्थ वेस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश हो गया, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन भी नहीं होगा, ईस्ट बंगाल रहता तो सोचा भी जाता। ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर, तो देखिए ये जो है 1891 में जन्म लेते हैं, 1956 में मरते हैं, 1956 में 14 अप्रैल 1891 में मोहम्मद प्रदेश में जन्म होता है और दिल्ली में आकर मरते हैं, जहाँ से दिल्ली से चुने जाते हैं वहीं पर मरते हैं। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट दिया उसको कंसिडर करना है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बात हो रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आया, तो सही तो बात है, 1935 में जो थर्ड वाला हुआ तो उसके अंतर्गत ये आ रहा है 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें फेडरल कोर्ट वगैरह हम लोग सब देखे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया का बात हुआ था, टू बी बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, देख सकते हैं। टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत थर्ड वाला जो आया था उसके अंतर्गत 1935 का एक्ट आया, और ये चीज देख सकते हैं। देखिए न्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री, इट इज़ नोन कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन तो बोला जाता है, क्यों, तो हम लोग बहुत सारे देश से सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है, उस तरह ब्रिटेन से भी बहुत चीज लिए हैं हम लोग, यूएसए से फंडामेंटल राइट ले लिए हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं आप लोग बताइए, और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए हैं, क्या रशिया से लिए हैं, तो ये सारा चीज़ जो है ना इसके लिए एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये भी सही है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि डीपीएसपी भी है, हर एक माइनॉरिटी का रिजर्वेशन, इक्वालिटी, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, बहुत ही मतलब कि लेंथीएस्ट और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में है, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ये आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव ध्यान में रखा गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस वगैरह भी करके अमेंडमेंट से ला सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग को ना ही लिबरल ना ही ज़्यादा हार्ड रखा गया है, तो रिजिड और मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों के बीच में हम लोग को रखा गया है, तो बहुत ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज 15 साल के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसके लिए एडवोकेट किया गया, तो मौलाना आज़ाद के लिए। देखिए जब डिस्कशन हो रहा था एडल्ट फ्रेंचाइज का, मौलाना आज़ाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्लेड किया डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज 15 साल के लिए आए, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू ये सपोर्ट किए इट्स एडॉप्शन। नेक्स्ट क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग एडवाइजेज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज ए पोलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आज़ादी जब मिल जाएगा तो ये जो नेशनल कांग्रेस है उसको ख़त्म कर दीजिए, ये आज़ादी के लिए बना था, तो ये किसका कथन था, तो महात्मा गांधी का कथन था, लेकिन ये जो नेता लोग हैं उसको तो करना ही था शासन, तो एक तरह से ठीक भी रहा, अगर उस समय नहीं रहता तो पॉलिटिकल वैक्यूम वगैरह क्रिएट हो सकता था, तो ये है महात्मा गांधी का कथन। देखिए ये किसने कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट, एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन एंड हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। अब देखिए बोल रहे हैं कि ना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही शासन हो रहा है, ठीक है, तो एक तरह का मशीन है, लाइफलेस थिंग है, लेकिन इसमें बहुत सारे ईमानदार लोगों की जरूरत है ताकि कोई गड़बड़ रूल रेगुलेशन नहीं बन पाए, तो ये लोगों के इंटरेस्ट को समझे, लोगों के वेलफेयर को समझे, सोसाइटी का ध्यान सोशल वेलफेयर रखे, तो ये राजेंद्र प्रसाद का कहना था, ये आप लोग देख सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशन उसको मिनिमाइज करके रखिए, ये कौन बोल रहे थे, तो आइवर जेनिंग्स इस चीज को बोल रहे थे, आइवर जेनिंग। अब मतलब कि इंडियन क्वेश्चन बहुत सारा ये आ रहा था ना 1932 का, जैसे कि आप लोग देखे थे सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह दिया गया आपको किसको, दलितों को, तो ये सब चला था पूना पैक्ट वगैरह ना, तो इस तरह से माइनॉरिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये इसका कथन था आइवर जेनिंग्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये किसने कहा, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, तो इसलिए उनको कांग्रेस को मतलब कि बोलबाला था, इसलिए ये बोल दिया गया, किसके द्वारा बोला गया, और कांग्रेस में इंडिया का बोलबाला था, इसलिए
कांग्रेस इंडिया ये कौन बोला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या माउंटबेटन जी के द्वारा बोला गया, नहीं ऑस्टिन के द्वारा बोला गया है, एक मतलब कि यूनिक फैक्ट है, ऑस्टिन का कथन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए हाउ मेनी वीमेन मेंबर वेर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कितने थी वीमेन मेंबर, 12 थी क्या, तो यहाँ पे 12 नहीं 15 मेंबर थी वीमेन वाली, 15 मेंबर वीमेन की थी, देख सकते हैं कौन कौन थी, सरोजिनी नायडू थे, इनका नाम तो बहुत लोग याद रखते हैं, और दुर्गाबाई देशमुख भी थी, हंसा मेहता भी थी, कमला चौधरी, मालदा चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या यूपी की कहीं के मिनिस्टर बनी थी कि क्या कुछ बनी थी, कमेंट बताइएगा। पूर्णिमा बनर्जी ये देख सकते हैं, श्वेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडिता, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और कुछ कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो देख लेते हैं, उसके हेड कौन है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये सब जैसे स्टेट रिलेटेड के यूनियन कमेटी, ये सब जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये हम लोग ऊपर भी देखे थे, तो ये कौन बन रहे हैं, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू हेड बनते हैं। और यहाँ पे देखिएगा रूल ऑफ प्रोसीजर के राजेंद्र प्रसाद, आर से आर याद रखिएगा, स्टेट वाले के जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी के भी राजेंद्र प्रसाद हैं, ड्राफ्टिंग के तो बी आर अम्बेडकर रहेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल राइट वगैरह, तो ये देखिए माइनॉरिटी वगैरह मतलब कि एक्स्ट्रा ट्राइबल वगैरह, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकता का मतलब कि हेड माने जाते हैं, और कुछ सब कमेटी था तो जे वी कृपलानी, माइनॉरिटी का तो एस सी मुखर्जी जो आपके क्या बनते हैं, वाइस चेयरमैन परमानेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। चेयरमैन कौन बनते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, कौन सा प्रोविंशियल के, तो ये आपको सरदार पटेल, देखिए यहाँ पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये एकता उकता से रिलेटेड उनका होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन बनेंगे, तो बी आर अम्बेडकर बन जाएंगे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग के कौन बनेंगे, तो भीमराव अम्बेडकर बनेंगे। मैच कराना है तो देखिए फंडामेंटल राइट्स के कौन बन रहा है, तो ये आपको बन रहा है सरदार पटेल जी। यूनियन पावर वर्क के कौन बन रहा है, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कौन बना है, बी आर अम्बेडकर। के मुंशी बन जाएंगे स्टीयरिंग के, स्टीयरिंग के कौन बन रहा है, स्टीयरिंग के सॉरी राजेंद्र प्रसाद बन रहे हैं, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं दिया है, तो ये राजेंद्र प्रसाद इसलिए स्टार मार्क कर दिया गया, तो राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखिए चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स अभी हम लोगों ने देखा सरदार पटेल, या माइनॉरिटीज़ का भी वहीं थे, और ये देख सकते हैं सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट पे बना था ना उसके जे बी कृपलानी थे, और माइनॉरिटी सब कमेटी के एस सी मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी बना तो बी आर अम्बेडकर के अंतर्गत कितने अदर मेंबर थे, तो 6 अदर मेंबर थे, मतलब कि टोटल 7 मेंबर का ये कमेटी था, बी आर अम्बेडकर लीड कर रहे थे, 6 और मेंबर थे, तो और कौन कौन थे इनका नाम भी देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए एक यहाँ पे फैक्ट है, टी टी कृष्णाचारी वाज इंक्लूडेड आफ्टर द डेट ऑफ डी पी खैतन, डी पी खैतन खत्म होते हैं तो टी टी कृष्णाचारी आ जाते हैं 1948 में आते हैं। अब देखिए मेंबर्स पूछ लिया है ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो अभी हम लोगों ने देखा 6 मेंबर हैं, एक आपको बी आर अम्बेडकर हैं, तो पूछा है देखिए ए गोपाल स्वामी, तो ये हैं ए पी गोपाल स्वामी हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कहाँ से आ जाएंगे, अलादी कृष्णा भैया, तो ये हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हैं सरदार पटेल, ये भी नहीं रहेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कौन सा नहीं है, देखिए इसमें बताना है आपको, तो जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं रहेंगे, ये तो अलग बहुत सारे कमेटी के मेंबर मतलब हेड रह रहे हैं। बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन सा चीज़ का चेयरमैनशिप, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैनशिप किया गया, तो किस तारीख को किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को ये बनता है, एक रिजोल्यूशन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी, देखिए झंडा समिति का अध्यक्ष कौन बन रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद बन रहा है, रूल्स के भी थे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट होता है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए कितना हम लोगों ने कर लिया, ये वाला कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, और उसके बाद 4 से लेकर ये 6, 7, 8 तक कर लेंगे, फिर उसके बाद ये जो 2-3 है ये कर लेंगे, फिर उस तरह से पार्ट वाइज करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।